योग्यता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या आपने? सिर के लिए हाँ। तो शरीर की खिंचाई होती है, तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपलसरी हम साउथ फेसिंग जरूर सुलाइए ताकि उनकी हाइट बढ़े? जरूर सुलाइए। जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए, थोड़े 3-4 साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा हाइट बढ़ने का, लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजीव भाई, कल आपने बताया था सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, लेकिन जैन धर्म में यह बताते हैं कम से कम 48 मिनट बाद में कुछ भी लेना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है, जो जैन दर्शन में 48 मिनट का नियम है ना, सूर्योदय होने के 48 मिनट के बाद, वो बिल्कुल नियम सही है, पक्का है। वो नियम क्या है वो हमें समझने की बात है। वो नियम ऐसा है, जो पानी है ना, पानी बहुत सारी जीव राशियों का संग्रह है। अब ये थोड़ी सूक्ष्म की बात है, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सवाल पूछ लिया इसलिए कह रहा हूं। पानी जो है सूक्ष्म जीव राशियों का संग्रह है। आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें, करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देंगे इधर उधर भागते घूमते। अगर देख लें तो दिल ही नहीं करे पानी पीने के लिए। ये तो सुबह सुबह क्या होता है कि आपका जो मुंह है, ये जो लार है ना, ये मैंने आपसे कहा कि सुबह के समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इस लार की। तो अगर आपने उठते से ही पानी पिया तो उसमें पूरी संभावना है कि ज्यादा जीव राशि की हत्या होगी। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो। हिंसा से बच सके ये आदर्श है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो। अनावश्यक जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो। तो अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए जैन शास्त्रों ने, जैन आचार्यों ने यह कह दिया जी 48 मिनट के बाद पियो। ये 48 मिनट में क्या हो जाता है? 48 मिनट में आपके मुंह की जो लार है ना, इसकी जो क्षारीयता है ये कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत तेजी से कम होती है। और इसकी क्षारीयता कम हुई, एल्केलिनिटी जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में, तो जीव राशि के मरने की संभावना उतनी कम हो जाती है। तो फालतू हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने यह कहा कि नवकारशी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा। वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बाघभट्ट जी का भी है। वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार करते हैं तो मुंह की जो लार है इसकी क्षारीयता कम होना शुरू होती है। तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जैन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो, और अगर आप जैन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंसा अहिंसा का उतना महत्व नहीं है, लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है। तो आप बोलेंगे जी 48 मिनट तक क्या करें, बैठे रहे? तो भगवान का नाम ले लो, आप ईश्वर का जाप कर लो, मंत्र का जाप कर लो, कुछ कर लो और फिर पानी पियो, फिर उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू करो। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।